हेलो फ्रेंड्स, आज कुक विथ मी के किचन में बन रहा है मोमोज की चटनी। तो बिल्कुल सिंपल तरीका से मोमोज की चटनी आज हम बनाएंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मोमोज की चटनी बनाने के लिए 4 मीडियम साइज का हमने टमाटर ले लिया है, 4 से 5 सूखे लाल मिर्च लिया है। आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं, पर कश्मीरी लाल मिर्च का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखें मोमोज का चटनी बनाए तो। अब सारे टमाटर का आगे वाला पोर्शन हटा लेंगे। सारे टमाटर का हमने आगे वाला पोर्शन को हटा लिया है और पीछे से 2 कट लगा दिया है। अब थोड़ा सा पानी में टमाटर और लाल मिर्च डाल देंगे सारा। अब गैस को ऑन कर लेते हैं। अब टमाटर को अच्छे से पका लेते हैं बॉईल करके, तो ढक के इसे मीडियम फ्लेम पे पकने दें। मीडियम फ्लेम पे टमाटर को अच्छे से हमने बॉईल कर लिया है, तो टमाटर हमारा अच्छे से पक गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। सारे टमाटर और लाल मिर्च को किसी बर्तन में निकाल ले पानी में से। टमाटर थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसका छिलका हटा लेंगे। अब एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म करेंगे, इसमें 1 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। चटनी फ्राई करने के लिए हमने 1 प्याज को चॉप में काटा है, 1 से 2 लहसुन की कलियां है, 1/2 इंच अदरक है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया तो लहसुन अदरक को पहले डालेंगे इसमें, उसके बाद इसमें प्याज डाल दें। इसे थोड़ा सा सॉटे करें। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से सॉटे कर दिया है। अब गैस को बंद कर देंगे। ठंडा होने के बाद टमाटर का छिलका भी हमने हटा लिया है। अब लाल मिर्च और टमाटर को ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसी में प्याज और लहसुन अदरक को जो सॉटे किए थे वो सारा डाल देंगे। अब इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। सारी चीज़ों का हमने स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब इसे किसी बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करें। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल तरीके से मोमोज की चटनी बनकर तैयार हो गया है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे तरीका से मोमोज की चटनी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।